हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग गेट डेट मेथड्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप डेट को सेट कर सकते हैं, यानी कि डेट को सेट करने का मेथड हम लोगों ने देखा। इसमें डेट को गेट करने का मेथड हम लोग देखने वाले हैं। सो पहला है हमारा गेट फुल ईयर, गेट द ईयर एज फोर डिजिट नंबर। ईयर आपको फोर डिजिट नंबर के तौर पर इस मेथड से मिलेगा। उसी तरीके से मंथ चाहिए तो गेट मंथ, डेट चाहिए तो गेट डेट, आवर्स मिनट सेकेंड मिली सेकेंड, गेट टाइम देन गेट डे। सो ये सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं अगर आपको डेट को रिट्रीव करना है अपने वेब पेज में। तो बहुत ही यूज़फुल मेथड्स है ये। इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके आप अपने डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरीके से चाहें उस तरीके से। यानी कि अगर आपको डेट पहले चाहिए, मंथ बाद में चाहिए, ईयर बाद में चाहिए, इस तरीके का अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये सारे मेथड्स बहुत ही काम आने वाले हैं। सो इन मेथड्स को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। समझना क्या है, सिर्फ मेथड है और ये आपको निकाल के देता है चीज़ें ढूंढकर। सब कुछ मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, बिकॉज बहुत सारा कोड होता है इसका, मतलब बहुत सारा नहीं होता, बट यहाँ मैंने फॉर्मेट करके लिखा हुआ अच्छे से, जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तारीख लिखा मैंने, न्यू डेट का डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, ये करेंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। सो अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको करेंट डेट और टाइम देखने को मिलेगा। अब इस करेंट डेट एंड टाइम से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से, इसका मैं इस्तेमाल करके, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास है वीक डे, यानी कि संडे मंडे ट्यूजडे है। इसके पास है डेट, एक तारीख दो तारीख तीन तारीख। इसके पास है मंथ, इसके पास है ईयर, इसके पास है आवर्स, इसके पास है मिनट, इसके पास है सेकेंड, इसके पास है मिली सेकेंड, ये सारी चीज़ इसके पास है। अब एक एक करके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से। सो अगर मुझे इसके अंदर से निकालना है आवर्स, तो मैं गेट आवर्स का यूज़ करूँगा। सिंपली लिखना है आपको ये वाला वेरिएबल, जिसके अंदर से खोज कर निकालना है वह वेरिएबल आपको यहाँ लिखना है, देन डॉट लिखना है, उसके बाद गेट आवर्स आपको यहाँ लिखना है। उसी तरीके से अगर आपको गेट मिनट चाहिए तो गेट मिनट यूज़ करना है, सेकंड चाहिए तो गेट सेकंड यूज़ करना है, डेट चाहिए तो गेट डेट, मंथ चाहिए तो गेट मंथ, फुल ईयर चाहिए तो गेट फुल ईयर, और डे चाहिए तो गेट डे लिखना है। इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है गेट मिली सेकेंड का और गेट टाइम का, तो दोनों का ही आप एग्जांपल खुद करके देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको गेट मिली सेकेंड लिख देना है इसकी जगह पर और गेट टाइम लिख देना है इसकी जगह पर, और कोई कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये सारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा हुआ है। सो फिर से क्या करना है, यहाँ लिखना है उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस वेरिएबल को जिसके अंदर से चीज़ें आपको निकालनी है। जैसे कि मुझे इसके अंदर से निकालनी, इसके अंदर में क्या क्या है, पूरा डेट का फॉर्मेट है, टाइम और डेट, ईयर मंथ सब कुछ है, तो इसके अंदर से मुझे निकालना है, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है, प्रीफिक्स किया हुआ है, और इसके साथ मैंने इसका इस्तेमाल किया। हालांकि लॉजिक कुछ और है, ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है इसका, इसीलिए आप इसके साथ इस चीज़ को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है कि इसका मुझे निकालना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। सो सिंपली सेव करते हैं, और ये स्ट्रिंग है, कोड समझ लीजिए ये वाला ठीक से। डॉक्यूमेंट और ट्रैड लिखता हूँ ताकि वेब ब्राउज़र में मुझे दिखाई दे, वेब पेज में। ये मेरा स्ट्रिंग है, एज इट इज़ दिखेगा, ये हमें रिटर्न करके देगा आवर्स, यहाँ जो भी आवर्स है वो रिटर्न करके देगा। उसी तरीके से ये मिनट से एज इट इज़ स्ट्रिंग दिखेगा, देन ये हमें मिनट्स रिटर्न करके देगा, देन ये हमें सेकंड्स रिटर्न करके देगा, ये हमें गेट डेट देगा, ये हमें गेट मंथ देगा। याद रखिएगा, मंथ आपको जनवरी फरवरी नहीं मिलेगा बल्कि नंबर मिलेगा 0 से लेकर 11 तक। उसी तरीके से गेट फुल ईयर आपको 4 डिजिट में ईयर देगा, और गेट डे आपको 0 से 6 तक नंबर देगा, संडे मंडे नहीं देगा। सेव करते हैं इसको और इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा पूरा डेट जो तारीख के अंदर है, वो तारीख के इसी तारीख के अंदर से हम लोगों ने आवर्स निकाला, जो कि 21, आप देखेंगे यहाँ 21 बज रहा है, तो 21 यहाँ से निकाला गया है। 41 मिनट्स हो रहा है तो 41 निकाला गया है, 39 सेकेंड हो रहा है तो 39 निकाला गया है, डेट 06 है तो 6 निकाला गया है, मंथ जुलाई है, यहाँ आप देखेंगे जुलाई है, मंथ क्या है, जुलाई है, लेकिन यहाँ आपको 6 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये मंथ जो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 6 का मतलब होता है जुलाई। उस तरीके से ईयर दे रहा है,
और डे आपको 5 दे रहा है, जबकि यहाँ फ्राइडे लिखा है, 0 संडे होता है याद रखिएगा, और यहाँ 5 लिखा है मगर आपको यहाँ फ्राइडे दे रहा है। सो ये आप यूज़ करके, यानी कि गेट मेथड्स का यूज़ करके आप डेट और टाइम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मंथ 6 लिखा हुआ है, ना तो ये 6 प्रॉपर 6 को डिफाइन करता है। जनरली जैसे ह्यूमन हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून होता है 6, तो 6 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये जून है, ये जुलाई है। तो ना तो हम इस 6 को एज ए इंटीजर एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए ह्यूमन, और ना ही ये जून या फिर जुलाई या फिर मई ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक्यूरेट करके इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब यूज़र को आप 6 दिखाएंगे मंथ, तो वो तो यही समझेगा कि 6 मंथ है यानी कि जून है, उसको तो पता नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। सो इसको प्रॉपर फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा। उस तरीके से डे 5 नहीं होता है, डे हमेशा संडे मंडे ट्यूजडे होता है, 5 और 6 डे नहीं होता, वीकडे हमेशा संडे मंडे के नाम से जाना जाता। तो यहाँ भी आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, सही तरीके से कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि यहाँ 5 ना दिखाकर प्रॉपर डे का नाम दिखे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा मंथ में, जिससे कि 6, 5, 4 इस तरीके से इंटीजर वैल्यू ना दिखाकर प्रॉपर मंथ का नाम दिखे, जनवरी फरवरी। ओके, सो ये कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से रिट्रीव करना यानी कि खोज कर निकालना आवर्स मिनट सेकेंड डेट मंथ ईयर डे आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।